सो है इंजीनियर्स, अगर आप भी अपने गोल के लिए डिटरमाइंड हो तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। कल 24 सितंबर को यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया है। इसमें शुभम कुमार जो बिहार स्टेट के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 हासिल किया है। उन्होंने IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। ऑल इंडिया रैंक 2 पे है जागृति अवस्थी मैम। इन्होंने भोपाल के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। आप सोच रहे हो कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों जो टॉपर हैं ये इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड थे। अगर आपने भी BE, BTEC, MTEC किया है तो आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो। देखो ये सब फीलिंग्स अंदर से आनी चाहिए, अगर किसी को देख के या दिखावे के लिए करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे। अगर आपको ये फीलिंग्स अंदर से आती है तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, आप 100% सक्सेस हो गए। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक सिविल इंजीनियर UPSC भी क्लियर कर सकता है, इस भाई ने करके दिखा दिया, क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूं। तो भाई लोग मैं अपने टॉपिक से अलग चला गया था, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में मैं 30x58 का हाउस प्लान लेके आया हूं। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि 30x58 पे एक हाउस प्लान बनाइए, तो मैं ये हाउस प्लान लेके आया हूँ। आई होप उन भाई साहब को ये प्लान अच्छा लगेगा। तो देखिए ये प्लान ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट ही कर दिया है। ये प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है, जिससे ये प्लान और भी बेहतर हो जाता है। अगर इसमें आपको कुछ गलत लगा तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। ये प्लान मैं एक आइडिया देने के लिए लाया हूँ उन भाई साहब को जिन्होंने कमेंट किया था इस प्लान के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसके थ्रू ही आप अपना घर बनवा सकते हो। तो देखिए अब मैं इसको कलर कर रहा हूँ, जिससे आपको मतलब समझने में अच्छा रहेगा। एंड विंडो पोजीशन, डोर पोजीशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद से मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए अपना ये प्लान ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड इसका डायमेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट एंटर करेंगे तो यहाँ पे 5 feet 4 inch वाइड गार्डन रखा है। उसके बाद से अपना यहाँ पे वरांडा आप रख सकते हो या खुला रखो, कोई बात नहीं। उसके बाद से अपना ये स्टेयर यहाँ से आप एंड दिस योर बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 14 feet 10 inch by 15 feet 3 inch का। घर में एंटर कर रहे हो तो स्टेयर के पास से जो रास्ता जा रहा है लिविंग हॉल में, वो आपका मेन डोर रहेगा। लिविंग हॉल मैंने 13 feet 3 inch by 19 feet का रखा है। उसके बाद से अपना ये किचन 9 feet by 9 feet का रखा है, ओपन किचन रहेगा आपका ये। उसके बाद से अपना ये अटैच्ड बाथ कम लेटरिन 5 feet by 8 feet का रखा है। एंड दिस इज आवर वॉश एरिया 5 feet by 7 feet का रखा है। एंड उसके बाद से ये अपना अटैच्ड बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 10 feet 1 inch by 4 feet का। उसके बाद से अपना ये बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 11 feet 10 inch का। दिस इज आवर अटैच्ड बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 10 feet by 4 feet का, जो इस बेडरूम से अटैच्ड है। उसके बाद से अपना ये बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 13 feet 9 inch by 11 feet का। उसके बाद से अपना ये कॉमन बाथ एंड लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 9 feet by 6 feet का। उसके बाद से अपना ये बाथरूम 9 feet by 6 feet का। दिस इज़ आवर डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया
15 फीट 4 इंच बाय 13 फीट 9 इंच का रखा है। आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा ये प्लान कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसे और इंटीरियर डिजाइन, एक्सटीरियर डिजाइन, हाउस प्लान, 3D प्लान्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल। जय हिंद।